हेलो बंधुरा एडिक्यूज चैनल पक्ष के स्वागत जी भिडियो प्ले कर असंख्य धन्यवाद। तो आज के भिडियो खूब गुरुत्वपूर्ण होते चले जीडीएस जे सकल कैंडिडेट रोन जरा जरा अप्लाई कर तो सकले ही क्योंकि भिडियो व्च करबें कारण भिडियोते हमें आलोचना करब सम्प्रति आपनारा लक्ष्य कर विशेषकर फिमेल कैंडिडेट जरा जरा रोन तो समस्त फिमेल कैंडिडेट निश्चय आपनारा फर्म फिल आप समय आपनारा फिमेल को अप्लाई करट एपर जो फर्म एडिट करते जाबसाइटे तक अपने शो कर कैटागरि रही है अपना मेल। तो समस्त फिमेल कैंडिडेट क्यों मेल हो गल और ये क्यों हलो एट सल्यूशन की रही है यह मुहूर्त आपनर की करणीय आनी तो एडिट करते हैं ना तो अवश्य विस्तारित भिडियो आलोचना करब अवश्य भिडियो शेष अब्दी व्च करूँ और संगे आएगा जो समस्या अपन अपशनल सबजेक्ट नहीं प्रचुर कमेंट आसारे जो दादा अपशनल सबजेक्ट हमें भूल नम्बर बसिए क्यों 100 बसिए क्यों 90 बसिए क्यों 00 बसिए तो एक्चुअली बेपार कि आपनर को सठिक आपनर की एटार जो को रिजेक्शन आपनर होते जो अपनी सिलेक्टेड हो रिजेक्ट एटार जो होते वनारेक्टा जैसा कन्फ्यूज अपने रही है अपना अनेक कमेंट कर बोर्ड रिमार्क्स अप्लाई कर प्रिंट आउट बेर होने बोर्ड रिमार्क्स अपन एन लेखा रही है तो बोर्ड रिमार्क्स एन लेखा एट एनटार मान ये क्यों लेखा रही है अनेक अनेक यूट्यूबार ये नहीं अनेक मंत्य करें जी भूल एप्लीकेशन करो कौ भूल आई अपना एखे एन शो हो आनी जो सठिक एप्लीकेशन करें तो अपना एन शो होना तो अथथा अहेतुक जुक्ति दिए को लाभ नहीं एक्चुअलि सठिक बेपार जो अपनी ना जानें तो अवश्य से कमेंट कर अपना उचित नई तो चलो हमें अपन के सठिक इनफरमेशन भिडियोते देर चेषा करब तो चलो कथा ना बढ़े आज के भिडियो शुरू करा जा। तो प्रथम डिसकाशन करब जो अपने जे सकल फिमेल कैंडिडेट अपन मेल कर देना आपनारा अनेक कन्फ्यूज आपनारा अनेक टेंशन करते तो प्रथम यहाँ आलोचना कर दी एखे देखो एक रेजिस्ट्रेशन नम्बर आपनर शो हे एट एक फिमेल कैंडिडेटर पेज हमें ओपन कर रखी एट जो हमें इडिट अपशन ओपन कर तक से शो हो देखें एखे देखो अपना जेंडार एखे मेल कर देट ये क्योंकि जो एप्लीकेशन कर तक क्योंकि ये फिमेल हिसाब ही फिमेल ही को मिस्टेक तर तरफ को फर्म हमें मध्य ही एक को सबसक्राइबारे तो ये जो देखें जेंडार कैटागरि जो जेंडार से आपनर क्योंकि मेल कर देट ये क्योंकि एक फिमेल कैंडिडेटर तो जरा जरा भावन जो मिस्टेक कर फेले से अप्लाई कर तक ही बाट एम क्यों को बेपार नहीं चलो हमें अपने डिटेल्स देखिए दीची एखे देखो एप्लीकेशन फर्म जेटा प्रिंट आउट हो फर्म फिल आप करार तो ये अपनी शो करते हैं अपनी देखते जेंडार एखे फिमेल करा अर्थात कैंडिडेट क्योंकि सठीक छो से सठीक अप्लाई करट पर क्योंकि ये गंडगोल हो तो एखन आपन की करणीय रही है जरा फिमेल कैंडिडेट रोन बाट अपन मेल कर देना तो बोलो अपन टेंशन नवर को कारण नहीं तो बेपार ये कारण ही जो वेबसाइट अपन क्रैश है जो अपारा शेषर दिखे फर्म फिल आपर प्रचुर ट्राफिक आसे और से ही क्योंकि वेबसाइट क्रैश हो जाए और जीडीएस वेबसाइट क्योंकि क्रैश हो गो अपारा लक्ष्य करें जो अपना वेबसाइट खुलो ना अपने स्टेटसो क्योंकि चेक हो तो एर फले ही क्योंकि अपने जो एप्लीकेशन डाटा से ही डाटा करप्ट मिस्टेक अपन सामने शो करते आपनर फिमेल अथच आपनर मेल शो हो बट ये नहीं आपनर को टेंशन नहीं कारण आपनर तो प्रूफ आसे अलरेडी आनी जो एप्लीकेशन प्रिंट आउट करते तो अवश्य अपना फिमेल आज है जमनटा आपनारा देखें स्क्रिने तो डिटेल्स थकले ही अपना जथेष आपके जो मेल हिसाब से जो रिजेक्ट कर देनी कैटागरि भूल कर जेंडर सिलेक्ट भूल करो जो रिजेक्ट करें तो क्योंकि अवश्य अपना हाथ थक अपनी से आनी तरह एगेंस्टे कथा बार सूझ पाचन तो आशा करी ये को केस है ना कारण अपन वेबसाइटे जो समस्या एक् देखा गया है ये अवश्य करेक्शन कर देा तर इंटरनल मैटर तो डिपार्टमेंट अवश्य जो तरी सम्भव ये वनारा कारेक्शन कर तो अपन टेंशन नार को कारण नहीं बाट हमें एक कथा बदले जैसे फिमेल के मेल हो गए तो अपना जस्ट एक मेल कर रखूँ डिपार्टमेंट के अपना वेबसाइटे गए देखते पाबें अपन कन्टैक्ट आस बोले जो अपशन आपनारा जाने अपन डिविशन सिलेक्ट करबें और आनी जो डिस्ट्रिक्ट के बिलंग करते ही डिस्ट्रिक्टर आपनर मोबाइल नंबर और इमेल आईडी पाव जाए जो अपनी ना जान बेर करते आगे भिडियो तो दिए बला है तो अपनी से मोबाइल अथवा इमेल नंबर आनी जोड़ करें आनी जस्ट एक इमेल कर रखूँ जो आपनर फिमेल कैंडिडेट बट आपके मेल कर देना आनी जो इंग्लिशे टाइप ना करते नॉर्मली आनी बांगलाते बोलते अपनी हिंदी तो बोलते अपनी जो भाषा टाइप करते कम्फर्टेबल से भाषा तो अपनी बोलते को असुविधा नहीं तो ये अपना करणीय एकटाई जी चाहले एक मेल करते अवश्य मेलटा कर रखु हमें बोलो मेलटा कर रखु कारण आपनर पर अवश्य ये काजे देवे जदि कोकम समस्या देखा दे तो चलो नेवर आसे अपने बोर्ड रिमार्क्सर जो बेपार जखे अपन एन शो करते तो एनटा ना कि अनेक जन बार एप्लीकेशने को भूल करुटी करें एन शो हाँ क्योंकि एन शो हतो ना तो बेपार रखी एमटा कोई बेपार नहीं टोटाली फल्स बेपार एखे एम को बेपार नहीं आपनर एन शो करें तो ये बोर्ड रिमार्क्सर बेपारमटाई देखें माध्यमिक रेजाल्टे अपन जो गुड बा भेरि गुड बा एक्सिलेंट लेखा थे तो अनेक अनेक रेजाल्टे थे बट हमारे रेजाल्टे एम कोचु लेखा थे तो कारो कारो रेजाल्टे लेखा आए तो अपनारा एखे बोर्ड रिमार्क्स बोलते सेटाई बोझा अर्थात अपना को मंतव्य अपना बोर्डर तरफ थे अपना रेजाल्टर सम्पर्के जो अपना रेजाल्ट कि एक्सिलेंट बा गुड ये जस्ट एक मंतव्य से बला है बोर्ड रिमार्क्स तो ये क्योंकि जिडीएस जो अपनी अप्लाई करें
তখন আপনার বোর্ড রিমার্কস কিন্তু কোনো অপশন ছিল না এবং বোর্ড রিমার্কসে কোনো কিছু বসানোরও অপশন ছিল না এবং আপনাকে সেটা দিতে হয়নি, সেই জন্য কিন্তু এখানে বোর্ড রিমার্কসে এন লেখা আছে। অ্যাকচুয়ালি এখানে এন লেখা উচিত ছিল যে নট অ্যাপ্লিকেবল, তো এখানে এন মানেটাও অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটাই তাই যে এখানে আপনার সেটা অ্যাপ্লিকেবল নয় বোর্ড রিমার্কস, সেই জন্য এখানে এন লেখা আছে। এটা এমন কোনো কিছু ব্যাপার না যে আপনার এন লেখা আছে বলে আপনার কোনো মিস্টেক আছে, কোনো ভুল আছে, এমনটা কোনো ব্যাপার না। এটা নিয়ে মনে কোনো কনফিউজ রাখবেন না, আপনার এন এটা সমস্ত সবারই অ্যাপ্লিকেশানে লেখা আছে, শুধু আপনার নয়, যতজন জিডিএস অ্যাপ্লাই করেছে সবারই কিন্তু এন লেখা আছে। তো আশা করি ব্যাপারটা আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি। তো চলুন এবার আপনাদেরকে বলি যেটা নিয়ে আপনারা অনেক কমেন্ট করছেন, যে আপনাদের অপশনাল এবং ইলেকটিভ সাবজেক্ট এখানে যেটা লক্ষ্য করছেন, আপনার অপশনাল ইলেকটিভ সাবজেক্ট এখানে দেখুন 00 বসানো আছে, এখানে যে অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটা আমার কাছে আছে তো এখানে 00 বসানো আছে। যদি আপনারা এমনটাই করেছেন তাহলে আমি বলি আপনাদের কোনো রকম সমস্যা নেই। বাট কোনো কোনো স্টুডেন্ট কী করেছে যে 100 বসিয়েছে বা কেউ কেউ হয়তো 90 করে দিয়েছে বা কেউ কেউ ভুলবশত অন্য কোনো নাম্বার করেছে, তো সেই ক্ষেত্রে তাদের অ্যাপ্লিকেশান কি রিজেক্ট হয়ে যাবে বা যখন ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হবে তখন কি আপনাদের এই নাম্বার যদি আপনি দেখাতে না পারেন তাহলে কি আপনার ফর্মটা আপনার অ্যাপ্লিকেশানটা রিজেক্ট করে দেওয়া হবে? তো আপনাদেরকে বলে রাখি এরকম কোনো ব্যাপার না, দন্ত নয় একার না, এটা নিয়ে কোনো সমস্যা আপনাদের হবে না। কারণ এই যে অপশনাল সাবজেক্টের নাম্বারটা দেখছেন এইটা কিন্তু আপনাদের যখন মেরিট তৈরি হবে অর্থাৎ আপনাদের পার্সেন্টেজ বেসিসে সেই পার্সেন্টেজে কিন্তু এই নাম্বারটা অ্যাড হবে না। তো এই নাম্বার পার্সেন্টেজে যোগ না হয়, আপনি যদি এখানে 100 বসিয়ে রাখেন তো আপনার কোনো সমস্যা নেই, আপনি যদি 90 বসিয়ে রাখেন আপনার পার্সেন্টেজে কিন্তু কোনো রকম চেঞ্জেস আসছে না যে আপনাকে রিজেক্ট করে দেওয়া হবে যে আপনার এই পার্সেন্টেজ নয় তাও আপনার এই পার্সেন্টেজ হয়ে যাচ্ছে। তো এই বলে কিন্তু আর রিজেক্ট করার কোনো অপশান নেই এখানে, আপনি যে নাম্বারই এখানে বসিয়ে থাকুন আপনার কোনো সমস্যা নেই। বাট যদি আপনি 00 বসিয়ে রেখেছেন অবশ্যই সেটা আপনার পক্ষে ভালো, বা আপনি যদি 100 বসিয়ে রেখেছেন সেটাও আপনার পক্ষে ভালো, বাট 90-80 এটা একটু আনকমফোর্টেবল, তো অবশ্যই সেটাতে কোনো সমস্যা নেই। যদি আপনি 80 বা 90 করেছেন সেটাতেও কোনো সমস্যা হবে না। তো আপনারা কারা কারা অপশনাল সাবজেক্টে কী সিলেক্ট করেছেন অবশ্যই ভিডিও নিজে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন, এবং আপনাদের কতজনের ফিমেল থেকে মেল করে দেওয়া হয়েছে আপনারা দেখেছেন লক্ষ্য করেছেন তারাও কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। এবং আরেকটা আমি রিকোয়েস্ট করবো যে প্লিজ ভিডিওটাতে অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে যাবেন, এবং আপনাদের সামনে অবশ্যই আমি সবসময় সঠিক ইনফরমেশান দেওয়ারই চেষ্টা করি। তো প্লিজ ভিডিওটাতে একটা লাইক করবেন এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো চলুন দেখা হবে পরে কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টেক কেয়ার, বাই বাই।